सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हाय बच्चों, आज है आप सबों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 12। एक धातु मिश्रण में, धातुओं का मिश्रण है, उसमें तांबा और जस्ता है, और उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात है 6:5। और यदि मिश्रण में जस्ते का भार 37.5 किग्रा है तो तांबे का भार क्या है, यही ज्ञात करना है। तो पहले मान लिए, माना धातु मिश्रण में तांबे का भार बराबर x किग्रा, तब तांबे और जस्ते का अनुपात है 6:5, तो असली मान भी उसका x:37.5 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के अनुसार ही होता है ये। अब इसको फ्रैक्शन में लाए तो 6/5 बराबर x/37.5। फिर इसको कैलकुलेट किए, जो कि आप बराबर करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए। पहले 5 को x से गुना किए तो 5x, और इसको किए इससे तो आ गया आपका 225 आ गया। अब इसलिए x=225/5 और आ गया आपका फाइनल 45 किग्रा। इसका मतलब मिश्रण में तांबे का भार है 45 किग्रा, यानी 45 किग्रा तांबा है और 37.5 किग्रा जस्ता है, और एक धातु बना है मिला करके। नेक्स्ट है, यदि 40, 100 और x ये तीनों अगर समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करें। तो जब समानुपात में है तो प्रश्न से 40:100 बराबर 100:x, जब ये समानुपात में है तो ऐसा संभव है। तो नेक्स्ट है 40/100 बराबर 100/x, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 40x बराबर 100 × 100, इसलिए x बराबर 100 × 100/40, और 10 से 10 काटे और 4 से 100 को काटे 25 बार में, अब 25 और 10 बच गया, गुना किए तो 250 आ गया, यानी x का मान हो गया यहाँ पर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तीन तीन दिया हुआ है और चौथा पद इसमें ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती वही होता है। तो जैसे 3, 5, 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि माना चतुर्थानुपाती बराबर x, अगर चतुर्थानुपाती x है तो प्रश्न से हो जाएगा आपका 3:5 बराबर 18:x, मतलब चौथा पद अगर x मान लिए और ये समानुपाती है तो 3:5 बराबर 18:x, इसको भिन्न में चेंज किए और फिर कैलकुलेट किए तो इसका 30 आया, और 30 ही होगा इसका चतुर्थानुपाती, 30 ही होगा, क्योंकि चौथे जगह पर 30 आएगा तभी ये समानुपाती कहलाएगा। क्या इसका जांच करने का एक और तरीका बताए थे आप लोग को कि चौथा स्थान पर मान लीजिए 30 आ जाता है तो पहला और चौथा पद को गुना करने पर जितना आएगा उतना ही दूसरा और तीसरा पद को गुना करने पर आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर है और 30 रहेगा चौथा पद में, तो 3 और 30 को गुना करेंगे तो 90 होगा, और 5 और 18 को भी गुना करेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब सही आंसर है, आंसर में गलत दिया हुआ है बुक में, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया तरीका, इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन भी बनाए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर 150 आया है। और बाकी क्वेश्चन को फिर हम दूसरे सूत्र से बनाए हैं। जैसे तीसरा में है आपका ए बी सी का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो ये भी आप जानते थे कि चौथा पद बराबर दूसरा पद गुने तीसरा पद बटा पहला पद, वो सूत्र पर यहाँ पर हम बैठाए हैं, चतुर्थानुपाती बराबर दूसरा पद गुने तीसरा पद बटा पहला पद। तो दूसरा पद है इसमें बी, तीसरा पद है सी, तो बी गुने सी बटा ए, तो बी सी बटा ए हो गया इसका आंसर। इसमें चौथा में देखिए उसी तरह से है, ये भिन्न में है और ये है आपका पूर्णांक में, 2 × 3 × 3 × 4 × 1 × 2 कैलकुलेट कर दिए, जैसे सिंप्लीफाई को करते हैं। ठीक है, इसका आ गया आपका 7/3, दूसरे का 13/4 × 3/2। ठीक है, ये देखिए कैलकुलेट करके आ गया आपका 91/18, देख लीजिएगा ध्यान से, एक ही नियम से बना हुआ है ये सब,
पांचवा क्वेश्चन भी उसी नियम से बना हुआ है, चतुर्थानुपाती बराबर दूसरा पद गुने तीसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा पद है बी सी, तीसरा पद है सी ए, तो बी सी गुने सी ए बटा ए सी। अब यहाँ पर देखिए सी ए और ए सी कट रहा है, सी ए और ए सी एक ही चीज़ है, गुना में आप सी इंटू ए कहिए चाहे तो ए इंटू सी कहिए, एक ही चीज़ है, गड़बड़ नहीं है। तो सी ए और ए सी कट जाएगा क्योंकि ये बराबर है, तो बचेगा क्या, बचेगा बी सी, तो बी सी इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राशियों का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। जैसे पहला में है आपका 16 और 48 का तृतीयानुपाती, ठीक है, तो 16 और 48 का तृतीयानुपाती हम मान लिए कि x है, माना 16 और 48 का तृतीयानुपाती बराबर x। अगर तृतीयानुपाती अगर x है और ये समानुपाती हैं तो फिर प्रश्न से होगा 16 अनुपात 48 बराबर 48 अनुपात x, ठीक है, और इसी को हम सॉल्व कर दिए तो आपका आ गया 144। इसको पहले फ्रैक्शन में लाए दोनों तरफ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर x का वैल्यू आपका निकल गया 144, तो 16 और 48 का तृतीयानुपाती हो जाएगा 144। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर टू में भी उसी प्रकार से है, केवल इसमें दशमलव में दिया हुआ है, 4.5 और 13.5 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना था, ठीक है, इसलिए सारा नियम वही है, आप देख लीजिएगा इसको ठीक से। और तीसरा में आइए, तीसरा में भी वही बात है, 2/7 और 1/3 का, तो माना इन दोनों का तृतीयानुपाती x, तो प्रश्न से 2/7 अनुपात 1/3 बराबर 1/3 अनुपात x, तो x था अकेले तो x बटा 1 कर दिए, ठीक है, जब नीचे में कुछ नहीं, इधर वाला भिन्न है इधर वाला भिन्न में नहीं है तो 1 दे देते हैं। अब देखिए इसको, यहाँ पर हम एक लाइन जो है सो गैप कर दिए हैं, यहाँ पर अनुपात से भिन्न में चेंज करते तो होता आपका 2/7/1/3 बराबर 1/3/x/1, ठीक है, लेकिन उसको हम खत्म कर दिए, मन ही मन सोच लिए केवल, और उसको गुना में चेंज कर दिए, तो 2/7/1/3 रहता तो उसको जब गुना में लाते तो 2/7 × 3/1 हो जाता, उलट जाता ने, 1/3 था तो उलट जाता, 3/1 हो जाता, तो वही काम किए हैं और यहाँ भी वही काम किए हैं, 1/3 × x/1 तो 1/3 × 1/x उलट गया यहाँ भी, ठीक है। अब इसको गुना किए दोनों तरफ, तो 2 को 3 से किए तो 2 × 3 = 6, 7 = 7, 6/7 आया, और इधर आपका आ गया 1/3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 6 को 3x से गुना किए तो 18x, और 7 को 1 से किए तो 7, तो 18x = 7 हो गया, इसलिए x बराबर 7/18 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, सारा नियम सेम है, ये भिन्न में था तो कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न में हो या कुछ भी हो नियम तो एक ही है। अब इसमें देखिए ए और सी का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लिए उसका भी एक्स, तो प्रश्न से इसी तरह से होगा, ये ए और सी रहने से क्या होगा, जो संख्या रहे या तो आपका ये अल्फाबेटिकल मतलब ये बी सी डी कुछ रहे, नियम तो वही है, तो a/c = c/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, a को x से गुना किए तो ए एक्स हुआ, और c को c से गुना किए तो c गुने c, तो ए एक्स बराबर c गुने c, तो x बराबर x को इधर रख रहे हैं, a को उधर भेज रहे हैं, वही नियम है जो हम करते आए हैं, तो c गुने c बटा a, अब c और c को गुना करेंगे तो सी स्क्वायर और बटा ए हो जाएगा आंसर इसका। चौथा भी आपका उसी तरह से, और पांचवा भी ठीक उसी प्रकार से, ये भी है आपका भिन्न में, ए बी सी का, ए बटा बी और बी बटा सी का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो इसमें भी इसी तरह से हुआ है जिस तरह से इसमें हुआ है आपका तीसरा नंबर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपका आ गया प्रश्न से 1/b / b/c = b/c / x/1, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर भी हम एक लाइन को गायब किए हुए हैं, अब इसको डायरेक्ट गुना में कर दिए, तो 1/b × a था b/c हो जाएगा c/b, है ना, यहाँ पर आ जाइए b/c × a था x/1 तो 1/x हो गया। अब यहाँ गुना कैसे हुआ सो देखिए, a और c को गुना किए तो ac,
और बी को गुना किए तो बी स्क्वायर, इधर आइए बी और वन को गुना किए तो बी, और सी और एक्स को गुना किए तो सी एक्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, ए सी को सी एक्स से गुना किए तो आपका आ गया ए सी स्क्वायर एक्स, है ना, ए सी को सी एक्स से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी को पहले सी से किए तो ए सी स्क्वायर हुआ, और एक्स से किए तो फिर एक्स से गुना लिख दिए तो ए सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर पावर में एक है तो पावर जुट जाता है, तो बी स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर एक्स बराबर बी क्यूब हुआ, इसलिए एक्स बराबर, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स ही माने हैं तृतीयानुपाती, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, और यही होगा इसका एंसर। और इसी के साथ आज का ये क्लास को यहाँ पर हम स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।